हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो मुझसे पूछे गए थे मेरी जॉब इंटरव्यू के वक्त जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द साइज ऑफ द स्पेसर यूज इन द टाइल वर्क। मतलब फ्रेंड्स, जो हम टाइल वर्क में जो स्पेसर यूज करते हैं, अगर आपको नहीं पता कि फ्रेंड्स स्पेसर क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे आप वीडियो का लिंक दे दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि स्पेसर क्या होते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो वो जो है फ्रेंड्स, हम 2 mm और 3 mm के स्पेसर यूज करते हैं हमारे टाइल वर्क में। अगला क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर। हमारी जो वायु होती है, हवा होती है, उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, उसकी डेंसिटी होती है 1.225 किलोग्राम मीटर क्यूब एट सी लेवल एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो होती है हमारी सी लेवल के ऊपर होती है, और उसका टेम्परेचर जब होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो जो फ्रेंड जो है हमारी डेंसिटी होती है एयर की। अगली जो है फ्रेंड वो है 1.2754 किलोग्राम मीटर दी क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 किलो पास्कल फॉर ड्राई एयर। केपीए कह सकते हैं हम इसे, 100 केपीए फॉर ड्राई एयर। ड्राई एयर के लिए जो हमारी डेंसिटी होती है एयर की, वो होती है 1.2754 किलोग्राम मीटर दी क्यूब। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो है हमारा व्हाट इज द साइज ऑफ अ क्यूब बोर्ड। जो हमारा कंक्रीट क्यूब बोर्ड होता है फ्रेंड्स, उसका साइज क्या होता है। तो उसका साइज होता है 150 mm × 150 mm × 150 mm। तो अगले जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोर्टार यूज इन अ टाइल वर्क। टाइल वर्क में जो हम मोर्टार बनाते हैं, जो मसाला बनाते हैं अगर हम देसी लैंग्वेज में कहें तो उसका फ्रेंड्स रेशियो क्या होती है। उसकी रेशियो होती है 1:4। 1 उसमें होता है फ्रेंड्स सीमेंट, और 4 उसमें होती है सैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ग्लास। डेंसिटी ऑफ द ग्लास फ्रेंड्स, ये कई बार इंटरव्यू पूछ लिया जाता है कि जो हम बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लास यूज करते हैं, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, डेंसिटी ऑफ द ग्लास होती है 2000 to 8000 किलोग्राम मीटर दी क्यूब। ये वेरी करती है, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड्स सिंपल ग्लास से लेके हमारे पास बुलेट प्रूफ ग्लास तक आता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द पीसीसी। पीसीसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है पीसीसी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर। वाटर की जो है डेंसिटी क्या होती है। जो यहाँ पे मैं फ्रेंड नेचुरल वाटर की बात कर रहा हूँ, मिनरल वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो है हम नेचुरल वाटर की यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो 1000 किलोग्राम मीटर दी क्यूब जो है फ्रेंड्स, नेचुरल वाटर की जो है डेंसिटी होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द एएसी ब्लॉक्स। एएसी ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, एएसी ब्लॉक्स होते हैं ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। जो एएसी ब्लॉक्स होते हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो होते हैं फ्रेंड्स एएसी ब्लॉक्स, एरिएटेड ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। सॉरी, व्हाट इज द पीएससी। तो पीएससी क्या होता है फ्रेंड्स, पीएससी होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ये पीएससी की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है व्हाट इज द कंक्रीट क्यूब्स वेट। कंक्रीट क्यूब जो होता है हमारा, जिसका मैंने आपको साइज बताया पीछे 150 mm × 150 mm × 150 mm, अब उसका फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द कंक्रीट क्यूब्स वेट, उसका वेट कितना होता है। तो फ्रेंड्स, कंक्रीट क्यूब का वेट होता है, ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये हम सभी को पता ही है। तो वॉल्यूम फ्रेंड्स हम निकालेंगे 0.15 × 0.15 × 0.15। इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा फ्रेंड्स 0.003375 किलोग्राम मीटर दी क्यूब। अब फ्रेंड्स, वेट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हमारा ये आपने अभी निकाला ही है, और 24 जो है किलोग्राम मीटर दी क्यूब जो है इसकी डेंसिटी होती है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.1 किलोग्राम जो है फ्रेंड्स कंक्रीट क्यूब का जो है हमारा वेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फ्रेंड्स साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। वंदे मातरम, जय हिंद।